दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ अजब गजब और मैं हूँ मेघा। आज आपको खाने के बारे में बताएंगे। दुनिया भर में अजीब अजीब चीज़ें खाई जाती हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो हम और आप देखकर उल्टी करने लगेंगे, चक्कर आ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन लोग उन्हें खाते हैं। यहाँ तक कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी शायद एक बार इन्हें खाने से पहले ज़रूर सोचेंगे। तो आप इस स्टोरी को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और हमें ज़रूर बताएं कि अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो क्या आप इन चीज़ों को खाएंगे। दुनिया भर में अलग अलग देशों में लोगों की खाने की पसंद काफ़ी अलग होती है, उनका अपना रहन सहन होता है, अलग अलग खाना पीना होता है। आपको शायद जानकर अजीब लगे लेकिन कुछ लोग टिड्डा, बिच्छू, झींगुर इन सब चीज़ों को भी खा लेते हैं। आपको बताएं इन जीवों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ देश इस अजीबो गरीब खाने को खाते हैं। जहाँ एक तरफ चींटियाँ लोगों को परेशान करती हैं, कुछ लोग इनसे परेशान रहते हैं, दूर भागते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें शौक से खाते हैं। कई जगह पर इनकी चटनी बनाई जाती है। खास बात यह है चींटियों की चटनी भारत में बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कई जनजातियाँ ऐसी हैं जो चींटी की चटनी बनाकर खाती हैं। कई जगह पर तो चींटियों को पकाकर, उन्हें नमक लगाकर, जिस तरह से आप और हम पॉपकॉर्न खाते हैं उस तरह से खाया जाता है। थाईलैंड समेत दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर झींगुर सैकड़ों सालों से लोग खा रहे हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोग इसे खाते भी हैं। थाईलैंड में तो झींगुर सड़क पर बिकते भी हैं। फूलों पे मंडराने वाले भौरे कई लोगों का खाना है, क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं? भौरों की कई प्रजातियां हैं और अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में लोग भौरे को बहुत ही चाव के साथ खाते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये फैट के भी अच्छे सोर्स होते हैं। इन्हें खाने से विटामिन ए और ई मिलता है। ज़रा आप सोच के देखिए कैसे कोई भौरे को या फिर झींगुर को खा लेगा, सोच के ही अजीब सा होने लगा है। आपके घरों में अक्सर दीमक लगी होगी और आपने उस दीमक को साफ करने के लिए पेस्ट कंट्रोल को भी बुलाया होगा, लेकिन भाई इंडोनेशिया के अलावा कई ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहाँ पर इन दीमक को खाया जाता है, वो भी बहुत टेस्ट के साथ, और हजारों सालों से लोग इस दीमक को खाते आ रहे हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। अरे भाई प्रोटीन के तो और भी बहुत सारे सोर्स हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। इन्हें पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं और रोशनी देखकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बिच्छू को चाइना और थाईलैंड जैसे देशों में बहुत शौक से खाया जाता है। कई बार तो लोग इसे जिंदा ही खा लेते हैं। थाईलैंड में तो सड़क के किनारे तले हुए बिच्छू मिलते हैं। लोग बिच्छू को स्नैक्स के रूप में खाते हैं, जैसे आप कोई नमकीन खा रहे हो। शराब के शौकीन लोग वाइट वाइन के साथ बिच्छू को चखने के रूप में खाते हैं, लेकिन इसे बनाना इतना आसान भी नहीं है। इन्हें पकड़ना और उनके अंदर से जहर को निकालने के लिए एक टेक्निक चाहिए होती है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर ये लोगों की प्लेट में पहुंचता है। अब जब ये इतना जहरीला है तो भाई क्यों ही खाते हो। दोस्तों आप स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।